सावधान होशियार मोतीपुर की जनता हमार, और अब आपको नहीं चलेगा बिजली क्रेडिट और उधार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज बिहार में आपका स्वागत है, और आज हम मोतीपुर में उपस्थित हैं और बिजली विभाग के तमाम कर्मचारी पदाधिकारी और जय साहब के समक्ष उपस्थित हैं। यह मामला यह है कि पूरे भारत देश के लिए मार्च महीना जो है ना बहुत गंभीर महीना होता है, क्योंकि मार्च महीने में पूरे देश की आय और व्यय की व्यवस्था को सुधारा जाता है। इसी क्रम में जो है कि बिजली विभाग भी अपने आय व्यय व्यवस्था को सुधारने में लगी हुई है, और बिजली विभाग के जय साहब हैं प्रत्येक लोगों को आगाह कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द अपना बकाया राशि को भुगतान कर दीजिए, वरना विवश होकर विभाग जो है बिजली काट देगी और आप अंधेरे में रहेंगे। और ये व्यवस्था क्यों लागू है और कब तक लागू रहेगा और किस तरह की स्थितियां होगी, उसके लिए हम मोतीपुर विद्युत कार्यालय के जय साहब से हम बात करेंगे। सर, क्या अभियान चला रहे हैं आप? जिनका डिफॉल्टर्स कंज्यूमर जिनके पास बकाया है और पेमेंट नहीं कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग फील्ड में विजिट कर रहे हैं और उनके घर जा कर के हम लोग वसूली कर रहे हैं, या तो पेमेंट उनसे लेना है या फिर उनका लाइन डिस्कनेक्ट करना है। लगभग ये कितने तक का धनराशि लगभग इसको कुछ किया गया? मैक्सिमम, या जो कंज्यूमर लगातार 3 महीने से पेमेंट नहीं किए हैं या फिर 10,000 से ऊपर का बकाया है, उनका लाइन डिस्कनेक्ट किया जाएगा या तो वो पेमेंट करें, इसलिए हम लोग हर घर जा करके हम लोग वसूली कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो बरगलाते भी होंगे कि सर कल दे देंगे, परसों दे देंगे, चौथा रोज दे देंगे, तो फिर क्या विभाग उसको मौका दे रही है? हम लोग तो उसी समय ये कर रहे हैं कि मतलब पेमेंट लेना है या फिर डिस्कनेक्ट करना है, क्योंकि हम लोग को रिपोर्ट करना होता है हर दिन। और कब तक ये अभियान जारी रहेगा? आज मतलब ये हम लोग पूरे मार्च तक ये लोग हम लोग, क्योंकि ये फिनांशियल ईयर लास्ट होने वाला है, तो मार्च तक पूरा टारगेट है कि पूरा हम लोग वसूली कर करके जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके वसूली करें। पर्चे बताएगा? मैं गौतम कुमार, कन्या विद्युत अभियंता, मोतीपुर। तो आपने सुन लिया, गौतम कुमार जी हैं कन्या विद्युत अभियंता मोतीपुर, उन्होंने आगाह किया है मोतीपुर की जनता को, और साथ में देखिए ये कटर भी लेकर चल रहे हैं ताकि जो व्यक्ति अगर भुगतान नहीं करेगा तत्काल प्रभाव से इनका लाइन काट दिया जाएगा और वो अंधेरे में हो जाएगा। यदि आपको अंधेरे में नहीं रहना है और रोशनी का मजा लेना है, तो तत्काल प्रभाव से आप बकाया राशि का भुगतान करने का कष्ट करें, और मैं दर्शकों से कहूंगा कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, खबर में कमेंट भी करें, खबर को अधिक से अधिक शेयर कर दें कि तमाम बकाया जो उपभोक्ता हैं अपनी राशि को तुरंत जाकर भुगतान उनका जो कुर्सी चाहिए वो कुर्सी बजाइए, वो कुर्सी बजाइए। यानी आपको कुर्सी दौड़? हाँ हाँ। क्या समस्या है? बिल उठा, बिल भुगतान लगा है, बिल लगा है ना, उसको कहा है कि नाक पकड़ा, धुआं पकड़ा, हम कटवा आदमी हैं। मीटर जल गया? हाँ, मीटर जला नहीं था भगवान, हमको मीटर में आग लगा है तो जल गया। हाँ, स्मार्ट मीटर लगा? हाँ, नया लगा है। अच्छा, कहाँ का है? पोखरा पर, मोतीपुर, गणेश शाह मोतीपुर, स्मार्ट मीटर है। हाँ, तो सर सबसे बड़ी बात यह है कि विभाग जो है अपना बकाया राशि वसूल तो कर रही है और लोगों को देना भी चाहिए, लेकिन क्या समस्याओं का निदान होना चाहिए कि नहीं? नहीं तो अभी तो बिल्कुल होना ही चाहिए, और अभी ये हमको अभी पता चला है, कुछ भी नहीं के बारे में अभी तो हम गया, मेरा लड़का सूरज गया दीनानाथ, सर को बोल दिए हैं हो जाएगा। एक मिनट नहीं बोलिए, हम कब तक इनकी समस्या दूर हो जाएगी सर? अभी तुरंत हम करवा देते हैं, तुरंत करवा दीजिए। तो अभी जो है विद्युत कार्यालय के जो कन्या अभियंता है, इन्होंने यह भी कहा है कि जिन लोगों के पास विद्युत संबंधित कोई समस्या है, उस समस्या को भी हमको अवगत कराएं, और हम प्रयास करेंगे कि तत्काल प्रभाव से उनकी समस्या का भी निदान करें। भुगतान है अपनी राशि को तुरंत जाकर भुगतान कर देवे। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज़ बिहार, धर्मचंद यादव।